वन रैंक वन पेंशन ये तो नहीं हो सकता, मगर अग्निवीर स्कीम हो सकती है। अग्निवीर स्कीम हो सकती है जिससे सेना को ठेके पे दिया जा रहा है। आप अपने बेटों को सरहद पे भेजेंगे ताकि 4 साल बाद वो आके किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी की तरह काम करेंगे। क्या ये है आपके मन में कि आप सोचते हैं कि जाएंगे सरहद पे देश की रखवाली करेंगे और पूरे जीवन फिर देश उनकी रखवाली भी करेगा? तो सोचिए कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। आपको ना रैंक पेंशन देना चाहते हैं, ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। अब अगर आप इसको पहचानेंगे, अगर आप सोच समझ कर अपना वोट डालेंगे, तो आप देखेंगे कि नियत साफ किसकी है और खोटी किसकी है। आप इतनी मेहनत करते हैं किस लिए? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 सालों में भी ये नौजवान बेरोजगार रहे, सेना में कोई भर्ती नहीं हो, पुलिस भर्तियों में घोटाले हो, शिक्षा भर्ती हो, शिक्षकों के भर्ती में घोटाला हो? क्या आप ये चाहते हैं? कि आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपने मेहनत की, शिक्षित है आपका प्रदेश, अच्छी अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, यहीं पे हिमाचल प्रदेश में मिलने चाहिए और संभावना है, ये बात नहीं है कि ये काम नहीं हो सकते। लेकिन भाजपा के राज में आपने देखा कि ये कहते हैं कि ये सब असंभव है, लेकिन घोटाले संभव है। पीपीई किट के घोटाले हुए, मैंने कहा पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आजकल ड्रग्स भी बहुत फैले हुए हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या ऐसी सरकार चाहते हैं आप? आपको मालूम है कि पहले जो फिक्स्ड कोटा होता था, वहां से यहां लगभग 4,000 युवा हिमाचल से सेना में जाते थे। अब नए नियमों से मात्र 400 या 500 जा पाएंगे, उसमें से 75% 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी नियत क्या है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कुछ गारंटी लेके आई है। गारंटी क्यों? क्योंकि हम किसी आधार पर कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा, तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी गारंटी है। आपके हक में हम सब कुछ करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो मेरी बहनें यहां बैठी हैं, जो दिन रात मेहनत करती हैं, कभी कभी मैं जानती हूं कि ये मेहनत पहचानी नहीं जाती। मैं जानती हूं कि घर का भी काम आपको करना पड़ता है और बाहर भी काम आपको करना पड़ता है और घर में बच्चों की परवरिश भी करनी पड़ती है, गृहस्थी संभालनी पड़ती है। मैं जानती हूं कि आप पर कितना बोझ है, और क्योंकि हम इस बोझ को पहचानते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है मदद करने के लिए। इस योजना को हम हर घर लक्ष्मी योजना कह रहे हैं। आपने इसके बारे में अगर सुना नहीं है तो पढ़िए जरूर और इसके बारे में जानकारी लीजिए। इसके साथ साथ हर विधानसभा में
हम चार इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं बनाना चाहते हैं। ड्रग्स से हम लड़ेंगे। जिस तरह से आज ड्रग्स नौजवानों के भविष्य को खा रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और हम लड़ेंगे। केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी, तब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस ले देंगे, इसको रद्द करवाएंगे।